नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय हिंदी। आगे के वीडियो में हमने पाठ 12 एक नई शुरुआत उसको समझने का प्रयत्न किया, लेखक के बारे में समझा और आज हम उसी पाठ को आगे समझेंगे। आगे पाठ नंबर 29 में आप देखिएगा, तुम्हारा पुस्तक पाठ है पुस्तक पाठ नंबर 29 में जो है मुझे माधवन कहता है कि क्या यह सब संभव है कि किसी भी एक व्यक्ति को अंगों को हम विभाजित करके उसे यंत्र के रूप में यंत्र में डालकर विभाजित कर सकते हैं। तो प्रोफेसर रामी सिंह से कहते हैं कि अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को एक आकार तभी मिलता है जब उसके भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद हो। तो माधवन कहता है ये तो सभी जानते हैं जो साइंस पढ़ते हैं। तो उसके आगे प्रोफेसर कहते हैं कि यदि हमें किसी वस्तु की संरचना यानी बनावट उसको समझना हो तो हम क्या करेंगे, हम उस वस्तु के अणुओं परमाणुओं का अध्ययन करेंगे, उसके में आएंगे। प्रोफेसर ने माधवन का सिलसिला आगे बढ़ाया, वे कहते हैं यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर कुछों की बनावट और उसके कार्य करने की विधि। प्रोफेसर कहते हैं जिस प्रकार हम एक मशीन को बनाते हैं और उसके अंदर ही उसमें पार्ट्स लगाए गए होते हैं, स्क्रू है, तो उसे हम खोलेंगे तो सारी मशीन अलग हो जाती है। जब उसी पुर्जों को लगाकर मशीन को एक मशीन को बना सकते हैं। इसी प्रकार शरीर का भी ऐसा है, ये हमारे अणु अणुओं से परमाणुओं से ये सभी से लेकर बना हुआ है। जारे आप एक मशीन पुर्जा लेके स्कूल अलग भरी देशो ત્યારે મશીન છૂટી પડી જાય છે, પાછા એમાં જ્યારે આપણે એનાથી આખો એક ખાંચો તૈયાર કરી લઈએ ફીટ કરીએ તો આખું મશીન બની જાય છે, એવી જ રીતે મારું શરીર બને। માધવન મૂર્તિ પર પ્રોફેસર રામેશની વાતો સુના હતા, તે મૂર્તિની જેમ એક ફીટ થઈ ગયો છે સાંભળવામાં। પ્રોફેસર કા વક્તવ્ય જાણીતા યે તો હૈ બનાવટની વાત, અબ આતી હૈ કિસી વસ્તુ કો તરંગો કે માધ્યમ સે कहीं भेजने की बात के कोई कौन वस्तु में आपने तरंग या लीजिए हवा लीजिए आपने क्या कौन मोटी सकती है जी, तुम्हें तो मालूम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, आवरणिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अब हम आवरणिक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं, यह ऊर्जा यूरेनियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अपने ना स्वरूप में परिवर्तित कर सकिए छे। अने केवी रीते तो किए छे के परमाणु रिएक्टर आपमा लयावामा आवे छे, जारे आपणे एनाथी समझी सकिए छे कि कोई पण वस्तुने ना मूलमां आपणे तोड़ी पण सकी छे अने पछी एने जोड़ी पण सकिए छे। हाँ यह तो है, माधवने उनकी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर दानिश ने अपनी आगे बात बढ़ाई, ये तो तुम्हें मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। किसी वस्तु और किसी जीवित प्राणी की रचना में काफी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती हैं, वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उसी तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार किसी जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया हम अपना सकते हैं। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी जटिल है और श्रमशाली यानी परिश्रम देने वाली है। यह कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सांस ली। अब हम देखें तो वस्तु और प्राणी दोनों की बनावट अलग होती है,
जिस प्रकार वस्तु को तोड़कर हम उसमें विभक्त कर सकते हैं और उसी को छोड़कर हम उसको मूल रूप में पा सकते हैं, इस प्रकार आप प्रक्रिया जीवित प्राणी ऊपर पर कही सके छे, परंतु खूब कठिन छे अने जटिल छे, એટલે કે મુશ્કેલ છે. પ્રોફેસર જી એવા સુંદર માધવન સમૂહન કે અવસ્થામાં આવ્યા, ઉનસે મોહિત તો જાતા હૈ. એક ક્ષણ કે લીએ મેં કુછ સોચી નહીં પાયા કે પ્રોફેસર કે ઇસ લેક્ચર કો સુનને કે બાદ વે પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે યા શંકા. લેકિન અગલે ક્ષણ ઉસકે દિમાગ કે કુછ સવાલ લોડા ઔર વે બિના બોલે ના રહે સકા. સર માના કે યે સારી પ્રક્રિયા સંભવ હૈ, परंतु इससे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरे जगह भेज सकते हैं. माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है. वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी एक किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं. मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार एक क्रम को किसी खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर करके हमें को एक स्थान से अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित करके दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर भेजते हैं, उसी प्रकार पहले हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल रूप के तत्वों में विभक्त करेंगे और फिर उन तत्वों को विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जा सके. महातरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः प्राप्त किया जा सकता है. उसी मूल रूप में हम दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते हैं ना भेज सकते हैं, परंतु यदि धीरे एक फिल्म में अपने तरंगों में परिवर्तित कर गई है तो हमें टीवी स्टेशन की अपने निजी स्टेशन एट्ले कि अपना तरंग टीवी सेट पर मोकली सकिए छे. એવી જ રીતે એ તત્વોને વિશેષ પ્રકારના તરંગોમાં પરિવર્તિત કરીને બીજે સ્થાન સુધી પણ મોકલી શકીએ છીએ, એટલે માનવને પડેલી રીતે મોકલી શકીએ છીએ, પરંતુ એ તરંગોને પાછે આપણે ત્યાં જઈને મૂળ તરંગમાં લઈ આવી શકીએ છીએ. તબે અચાનક માધવન કી તંદ્રા ભંગ હો ગઈ, કારણતા માનવ પ્રક્ષેપણ યંત્ર સે જુએ પાવર સપ્લાય બોક્સ સે ઉડને વાલા ધુઆં. यह देखकर माधवन लड़का पक्का रह गया, आश्चर्यचकित हो गया. उसने मॉनिटर पर एक उल्टी सी नजर डाली. प्रोफेसर रामिश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था, लेकिन अचानक यह दुर्घटना. प्रोफेसर रामिश की परिवर्तित होकर तरंगों में परिवर्तित हो गई थी. प्रक्षेपण क्या मशीन खोटकई गए थे. माधवन का शरीर पसीने से ना उठा, इससे पहले कि वह कुछ करता. कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई, माधवन के हाथ पैर टूट गए. उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं. उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर काम कर रहा था. प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रित के बाहर हो चुका था. हवे यंत्र अने रडार प्रणाली अने साथे जोड़ायेल कंप्यूटर काम करतु हतु, परंतु प्रोफेसर रामाश्विन जे तरंग रूपमां शरीर हतु ते एनी जी रिसीव करवानी जी प्रणाली हती तेनाथी बाहर जई चुक्यु हतु अने जेना कारणे तरंगो में परिवर्तित प्रोफेसर रामेश शरीर परंतु कंप्यूटर में प्रदर्शित थाती थी जेना कारणे ते पाछा मानव गुमा भी सकता था. मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई का खुलने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग स्वरूप अपनी गति खो गया और हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बैठे वाले नाले की ओर उड़ चला. हवे प्रक्षेपण यंत्र की बीजी इकाई पकड़ गई थी जेना कारण प्रोफेसर रामेश पोतानो शरीर छे ते तरंग रूप में પ્રયોગશાળાની બહાર એક નાનું આવેલું છે તેની બાજે જાય છે. હવે આગળનો પાઠ આપણે પછી લેશું. હવે એના પછી જે મુહાવરા લખેલા છે તે તમારી નોટમાં લખી દેજો.